पर पहुंचना था ना, और जो मंजिल हमें मिलनी थी वहां हम पहुंच गए। तो दिखा दो डायरेक्ट, तो यहाँ देख सकते हैं कौन बैठे हमारे बराबर में, देख सकते हैं सार्जन भाई, सार्जन डीजे के ओनर। कैसे हैं भैया? ठीक ठाक है। और 3 दिन से ज्यादा, 2-3 दिन से ज्यादा हो गई। उससे पहले उतना ये नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी तो सारा सामान है ही है। जी जी, नहीं काफी कुछ हो जाती है ना, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो वो आदमी लास्ट टाइम तक करता है। आपको सेटअप का तो पता है, सेटअप तो आपका रेडी है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बाइक का सेटअप जा रहा है, गाड़ी में लदा हुआ। पहले डबल 15 से स्टार्ट होता है सबका जी, वाटेज ज्यादा बढ़ा के ठीक। उसके बाद उससे जब छोटा छोटा काम कर करके उसको आदत बन जाता है, जी जी जी, सारा चीज समझ में आ जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ाते रहे। कावड़ यात्रा जानी है तो गाड़ियां आ चुकी हैं, देख सकते हैं किधर खड़ी है, ये खड़ी है, ये खड़ी है, और ये है प्रोडक्शन हाउस। दोस्तों देखा पहली बार राकेश तोमर कुमक्कड़ पर। बाप रे क्या चीज है ये, तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, एकदम मस्त ना। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री केदार, हर हर महादेव, और हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। और एक नए दिन की शुरुआत एक नई वीडियो के साथ, सुबह सुबह हो चुके हैं, नहा धो के तैयार है, देख रहे हैं आप कंधे बैग आ चुका है, और चलते हैं, और अपना होटल छोड़ने का टाइम आ गया है। अब चलते हैं आपको कुछ जलवा दिखाने, तो आज जलवा ही जलवा दिखेगा, बने रहना, पूरी वीडियो देखना दोस्तों, पूरी वीडियो देखना। और देख सकते हैं अपनी ये शैली हमेशा से रही है कि जब मैं कमरा छोड़ता हूं तो कमरे को बिल्कुल प्रॉपर करके छोड़ता हूं, जैसे मुझको मिलता मैं ऐसे करके छोड़ता हूं। हाँ, और चलते हैं, हम अपना घर भी तो स्वस्थ रखते हैं, तो जहां ठहरो वहां पर स्वच्छता का पूरा ध्यान रखो। मेरा रूम हमेशा साफ मिलेगा आपको, हमेशा मैं जहां भी ठहरता हूं बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि खदड़ बदड़ मंगा लो कि हमने पैसे दिए हैं और कोई और करेगा। तो चलते हैं और बढ़ते हैं। खाने की प्लेट, और अब चलते हैं, और आपको जैसे मैंने बताया जलवा दिखाते हैं, जलवा। अच्छा दोस्तों, तो बात करें ना झारखंड में धनबाद की, तो हरियाली बहुत है। आप सड़क किनारे भी देखेंगे तो पूरी हरियाली है किनारे, पूरे शहर के अंदर, और यहाँ देख रहे हैं शहर के अंदर पेड़ ही पेड़ है। और दोस्तों अगर हम बात करें ना धनबाद की, तो धनबाद को कोयल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भरपूर मात्रा में कोयला निकलता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, इसीलिए ये स्टेशन हिल स्टेशन, इसीलिए ये धनबाद हिल स्टेशन जैसा महसूस होता है, और सच में है भी हिल स्टेशन। यहाँ पर हरियाली भी पूरी है, और आपको पहाड़, कोयले के पहाड़, पत्थर के पहाड़, सब कुछ देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों मुझको मालूम हुआ है कि जो मेन हाईवे से बस ना जा करके ये आपका जाती है जंगल के रास्ते, क्योंकि कारण क्या है कि यहाँ पर जो नदी के ऊपर ब्रिज है वो डैमेज हो गया, तो उसको दोबारा से रिपेयर किया जा रहा था, वहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल बंद कर दिया गया, तो वहाँ पर स्कूटर तक भी नहीं चलाया जाता। हाँ, तो बस तो बहुत दूर की बात है, तो बस जो है ये छोटी बस है, और इसलिए ये जंगल के रास्ते जा रही है। तो दोस्तों पूरा कोयला ही कोयला है यहाँ पर, आप देखें पूरे हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो भी कोयले के ऊपर। और दोस्तों ये वह नदी है जिसके ऊपर का ब्रिज टूट गया है, तो ये जंगल के रास्ते वाला ब्रिज है जिससे होकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मेन ब्रिज टूट गया है। तो फाइनली हम उतर गए हैं भगोला मोड़ पर, और ये अपनी महाराजा बस थी, तो यहाँ ड्रॉप हो गए हैं, और यहाँ से आएंगे अब अपने आप को लेने सार्जन भैया। हाँ, क्योंकि सार्जन भैया को तैयारी करनी है पूरी, अदरवाइज वो कह रहे थे धनबाद आ जाऊँ राकेश भाई। हाँ, तो मैंने कह दिया कि नहीं नहीं आप काम में लगे रहो, मैं बस से यहाँ तक आ जाता हूँ, और यहाँ से सार्जन भाई खुद लेने आएंगे, तो चलो चलते हैं। तो ये है भगोला मोड़। तो दोस्तों उन लोगों को बताऊँ जो पानी बहाते हैं ना, तो पानी की कीमत देख सकते हैं आप यहाँ पे, कैसे ढो ढो के पानी लाना पड़ता है। यहाँ कुछ लोग होते हैं पाइप लगा के पानी बहाते ही बहाते रहते हैं, तो जहाँ पर जो चीज़ नहीं होती ना उसकी कदर वहीं पर होती है, और जहाँ पर खुले हाथ मिलती है ना तो वहाँ पर कदर होती नहीं है। तो हम हैं चंदन की यारी में, और यहाँ से सिर्फ कुछ ही दूरी पर आपका सार्जन डीजे है। तो मैं बात करूं तो यहाँ देख सकते हैं आप कुमार महतो जिंदाबाद। हाँ, और ये स्वर्गीय विनोद बाबू अमर रहे। हाँ, ये विनोद बाबू जी की पार्टी, विनोद बाबू का स्टेचू है, हम भी एक सेल्फी ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर खड़े हुए थे हम, और ये स्टेचू के यहाँ से अपनी एक सेल्फी ली थी,
क्या नाम था इनका, सुदेश बाबू है ना शायद, विनोद बाबू, सॉरी सॉरी विनोद बाबू जी का यहाँ पर स्टैचू लगा हुआ जी 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 हाँ मुख्यमंत्री जी का, हाँ तो विनोद बाबू जी का यहाँ पर एक स्टैचू लगा हुआ। और यहीं पे भाई आ गए कि ये भाई बोलने लगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या वीडियो कैसे बना रहे हो, तो क्या नाम है भैया आपका? विजय नारायण माथुर। विजय नारायण माथुर। और भाई से बात कर लेते हैं, जैसे हम लोग आए हैं यहाँ पर कि हम लोग आए हैं डीजे सार्जन के लिए, तो भाई से दो बातें पूछ लेते हैं। जानते हैं आप सार्जन भाई को, सार्जन डीजे को? जानते हैं। कैसा डीजे है यहाँ का? नंबर वन है झारखंड का। नंबर वन डीजे है झारखंड का। आप कुछ बताएंगे अपने बारे में, आप क्या करते हैं? अच्छा, टीवी रिपेयरिंग शॉप है आपकी ये सामने, तो यहीं पे देख सकते हैं भाई की यहाँ पे शॉप है टीवी रिपेयरिंग की। जी क्या पूछते हैं? यूट्यूब पे आएगी ये, राकेश तोमर टाइप करो अभी आप, खुल जाएगा सबसे ऊपर अपने आप। गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, एकदम मस्त ना? तो दोस्तों जहाँ पर पहुँचना था ना और जो मंजिल हमें मिलनी थी वहाँ हम पहुँच गए, तो दिखा दो डायरेक्ट। तो यहाँ देख सकते हैं कौन बैठे हमारे बरार में, देख सकते हैं सार्जन भाई, सार्जन डीजे के ओनर। कैसे हैं भैया? ठीक ठाक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सार्जन भाई, जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा सार्जन भाई लेने आ गए हैं मेरे को, तो ये था मेरा इंतजार करना पड़ेगा, सार्जन भाई यहीं खड़े मिले हैं। और अभी चलते हैं, बात आपको रास्ते में कराते हैं, फिलहाल आपको दिखा दिया कि साथ में कौन है, सार्जन भाई अपने। और ये वे ऑफ, ये आपका जो गोडाउन है वहाँ का रास्ता ना जी, जो घर भी है। अच्छा घर भी है, मतलब वो जो आपका गोडाउन है और जो घर है वो पास पास ही है? पास पास ही। और ये अपना गाँव है, गाँव के अंदर है जी। और ये समझ के चलिए मतलब यहाँ पर कोई अगर बाहर से आता है तो ऐसा कोई चीज नहीं, आप रास्ता देख के समझ में आ रहा है जी, जी, मतलब इधर से कोई चीज आपको ऐसा कोई चीज फेमस देखने को नहीं मिलेगा कि जो यहाँ पर कोई विजिट करेगा जी। हाँ वो नॉर्मली जैसे गांव का रास्ता होता वही रहने वाला। बाकी कोयल सिटी है आपको दोस्तों, कोयले की खदान टाइप मुझे बहुत रास्ते मिली है, दूर दूर तक कोयला, ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ पर कोयले गए। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी ना, यहाँ की ग्रीनरीज देखो, मुझे पसंद आती है ग्रीनरीज, मैं हमेशा बताता हूँ इसलिए आपका उत्तराखंड जाता हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर प्लांट लगा, क्रेशर प्लांट लगा हुआ है यहाँ पर, और नॉर्मल रास्ता है। तो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर हरियाली बहुत ज्यादा है, पेड़ों की। जी जी जी, पेड़ों की हरियाली। हाँ पेड़ों की हरियाली बहुत ज्यादा है, इसे सब्जी उब्जी वो चीज इधर उतना नहीं। हाँ ये तो मैंने भी देखा भैया कि फसल नहीं है। अभी गए थे सुबह को और भी सामान उमान लाने के लिए, सामान उमान लेने के लिए गए थे, जैसे अभी तो हम लोग का अपना तैयारी में भी लगना है ना, अभी तो तैयारी करने में ही चला जाएगा। नहीं वो तो मैं भी देख रहा हूँ कि शायद आपकी तैयारी चल रही होगी पिछले 10-15 दिन से। नहीं नहीं ये 2-3 दिन से ज्यादा, 2-3 दिन से ज्यादा हो गई, उससे जी। पहले उतना ये नहीं था क्योंकि ऑलरेडी तो सारा सामान है ही है। जी जी, नहीं काफी कुछ हो जाती है ना, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो वो आदमी लास्ट टाइम तक करता है। आपको सेटअप का तो पता है, सेटअप तो आपका रेडी है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो छोटी छोटी माइनर चीजें होती है कि भाई सफर में हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो वो होना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं ये झारखंड की बाइक 2388 और दो छोटे छोटे बच्चे। तो पहुंच के बात करते हैं दोस्तों, बाकी आपको मिलवा दिया स्टार्टिंग की वीडियो में ही दिखा दिया, सार्जन भैया से मुलाकात हो गई है जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे, बाकी पहुंच के सारी बातें कराते हैं, मिलते हैं तो थोड़ी बहुत देर में। कौन दादी? पुलिस लाइन जावा बोले की नहीं जाके दफन। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बाइक का सेटअप जा रहा है, गाड़ी में लदा हुआ। ये शायद कितना 4 पीस का सेटअप लेके गए? नहीं ये 4 पीस डबल 15 का। हाँ, पहले डबल 15 से स्टार्ट होता सबका जी, वाटेज ज्यादा बढ़ा के ठीक, उसके बाद उससे जब छोटा छोटा काम कर करके उसको आदत बन जाता है जी जी जी, सारा चीज समझ में आ जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ाते रहता है। ठीक ठीक, जो बिगनर है उसके लिए जी। तो देखा दोस्तों इस तरह से सार्जन भाई का जो प्रोडक्शन हाउस है वहां से लोगों के ऑर्डर आते हैं और बहुत जल्दी पूरा का पूरा कंप्लीट करके सेटअप जब तैयार हो जाता तो आप समझते हैं कि मेरे घर से पार्टी को बुला लेते होंगे, तो ये आ जाओ टेस्टिंग दे लो और ले जाओ अपना माल, ऐसे ही रहता ना? पहले लिस्ट मिलता है जी, उसके बाद लिस्ट मिलने के बाद वो लेके चल जाता है घर में, समझता है और उसके बाद कहीं रेट ज्यादा है कम है सारा चीज मतलब उनके हिसाब से ही चलते हैं, कस्टमर के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस दिन लेने का रहता है तो उस दिन सारा चीज सामने फिट होता है।
ठीक है, और कोई भी एडवांस नहीं लेते हैं जब तक ना वो अपनी तरफ से देना चाहे। जी जी, जी। क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है कि लगता है कि हाँ एडवांस ले लिए कहीं हम फंस उस नहीं गए, ये सारा चीज होता है। आदमी को यह लगना नहीं चाहिए कि हम फंस गए, क्योंकि ये इतना अंदर आप खुद देख रहे हैं रोड को। नहीं नहीं, वो तो देख रहा हूँ, बहुत अंदर आना, बहुत डीप आना पड़ता है। और यहाँ से अराउंड 500 किलोमीटर सर्किल में आप समझ लीजिए, 500 किलोमीटर में यहाँ यूपी भी आ जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ भी आ जाएगा, सबका बॉर्डर उड़ीसा, सारा टच है, एमपी का भी आ जाता है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सारा चीज आ जाता है, दूर दूर से सबको जाते हैं। जी तो दोस्तों देखा कितनी बड़ी बात है, हाँ कौन बंदा होगा जो बिना एडवांस लिए माल तैयार कर देता है, तो ये होते हैं काइंड हार्ट वाले बंदे की बात। हाँ तो इसीलिए आज राकेश यहाँ पर है, क्योंकि मैंने जितनी भी बार भैया से फोन पे बात करी है तो मुझको ना सिर्फ वे ऑफ टॉकिंग जो होता है ना, जिसको बोलते हैं ना बोलने का तरीका, उसी से आदमी की नेचर आदमी परख लेता है कि कौन बंदा कैसा है। तो बस इसीलिए आज राकेश यहाँ है, और ये बात मैंने देख ली कि भैया बिना एडवांस के भी सेटअप तैयार कर देते हैं। और इधर अपना जो ये अच्छा ये यहाँ ये मैंने देखा वीडियो में बहुत सारे आपका, आप यहीं लगा के सेटअप सुनाते हैं, गाड़ी लगा हुआ है जी। तो माल क्योंकि हरिद्वार कावड़ यात्रा जानी है तो गाड़ियां आ चुकी हैं, देख सकते हैं किधर खड़ी है, ये खड़ी है, ये खड़ी है, और ये है प्रोडक्शन हाउस दोस्तों। देखा पहली बार राकेश तोमर कुमक्कड़ पर, उतरते हैं।